सो हे गाइस, मेरा नाम है संतोष सर। वेलकम टू एसपी के अपडेट। सो चलिए बात करते हैं आज की फर्स्ट अपडेट के बारे में। सो आज की फर्स्ट अपडेट ट्रिगर्ड इंसान को लेकर। ट्रिगर्ड इंसान के चैनल पे हमें एक बहुत ही बड़ा बिगेस्ट कोलैब वीडियो देखने को मिल सकता है। ट्रिगर्ड इंसान इसी को लेकर अपने इंस्टाग्राम स्टोरी शेयर करने यहाँ पर बताया, जस्ट रिकॉर्डेड प्रोबेबली द बिगेस्ट वीडियो एवर डन। नेवर इन माई वाइल्डेस्ट ड्रीम डिड आई थिंक दिस वॉज गोइंग टू हैपन। दिस सैटरडे यू गाइस आर रेडी। वहां पर छोटा सा हिंट भी दे जो कि आप देख ही सकते हो। के बाद वो एक ट्वीट भी किए थे यहाँ पर लिखे, आई डोंट हाइप माई वीडियोस दैट मच। बट ये जो अगली वाली में हुआ वो काफी अनबिलीवेबल था। बिगेस्ट एंड क्रेजिएस्ट कोलैब ऑफ माय चैनल। पर कमेंट सेक्शन में काफी सारे लोग शायद से प्रेडिक्ट कर लेते, ठीक है। मुझे भी पता है भाई, मैंने जो सोचा उस हिसाब से कौन आने वाला, बट यहाँ पर बताऊंगा नहीं। अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से शेयर करना। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। नेक्स्ट अपडेट मिस्टर बीस को लेकर। जैसा कि आप में से ऑलमोस्ट लोगों को पता होगा, मिस्टर बीस ने प्यूडीपाई को क्रॉस कर दिया, बन चुके मोस्ट सब्सक्राइबर इंडिविजुअल यूट्यूबर ऑन यूट्यूब। इसके बाद क्या, मिस्टर बीस स्टैटिक्स ने आज एक ट्वीट किए थे। देन वो बताया कि मिस्टर बीस ना कल के दिन में जो 112 मिलियन सब्सक्राइबर्स को जो हिट कर लेते हैं, ठीक है, पिछले 9 साल से वो लगातार मेहनत कर रहे थे। बताया कि मिस्टर बीस का जो चैनल फोर्थ मोस्ट सब्सक्राइबर चैनल, जितने भी कंपनी जितने भी चैनल्स है ना, उन नंबर वन इंडिविजुअल क्रिएटर वो बन चुके हैं यूट्यूब पे। देन इसके बाद बताया कि उनको 34 मिलियन सब्सक्राइबर्स और चाहिए नंबर थ्री पर आने के लिए। 34 मिलियन सब्सक्राइबर्स उनके और एड हो जाएंगे, वो बन जाएंगे थर्ड मोस्ट सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल ऑन यूट्यूब। नंबर वन पे टीसी दिए, ठीक है। देन उसके बाद कोको मलियन ने सेट इंडिया है। देन इसके बाद फोर्थ नंबर पे जो मिस्टर बीस्ट। आपको क्या लगता है उनको ये माइलस्टोन अचीव करने में कितना टाइम लगेगा, मुझे कमेंट करके जरूर से शेयर करना। तो चलिए बढ़ते अगली अपडेट की। बजरंगी भाईजान मूवी को लेकर। तो बजरंगी भाईजान मूवी सलमान खान की काफी ज्यादा पॉपुलर थी, जो कि 2014-15 में आई थी। वो काफी ज्यादा मतलब कि उसका कलेक्शन वगैरह उसने काफी अच्छा किया था। देन अभी जो इसका पार्ट टू आने वाला है, काफी ज्यादा र्यूमर्स निकल के आ रही है कि जो मूवी है ना, इसको अनाउंस किया जा सकता है 2023 में, मे बी 2023 के एंड में या फिर 2024 में देखने को भी मिल सकते हैं। कास्ट वगैरह के बारे में यहाँ पर बता रखा है, जो कि आप रीड कर ही सकते हो। बस आप कितने एक्साइटेड हो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से शेयर करना। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। नेक्स्ट अपडेट, एक थाई यूट्यूबर से। क्या होता है, थाई के यूट्यूबर जो कि फूड ब्लॉगर है, ठीक है, वहां पर क्या होगा, उनको कभी अरेस्ट कर लिया गया। क्यों अरेस्ट कर लिया गया, तो उन्होंने अपने ब्लॉग में ना जो चमगादड़ होता है बैट, उनको खाते हुए उन्होंने वीडियो अपलोड कर दी, ठीक है। वो 30 सेकंड की क्लिप थी, उसके लिए उनको अरेस्ट कर लिया, क्योंकि आपको पता होगा अभी जितने भी ऐसी एनिमल्स को खाने की वजह से कितनी ज्यादा भी डिसीज वगैरह फैली थी, कोरोना वगैरह। देन इसी के लिए उनको जो अरेस्ट कर लिया गया, उन पर काफी ज्यादा फाइन भी मारा गया। कंप्लीट आर्टिकल रीड करना चाहते हो, देन मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सब कंप्लीट आर्टिकल भी जो रीड कर सकते हो। सो चलिए बढ़ते अगली अपडेट की तरफ। अगली थाराभाई जोगिंदर से। थाराभाई जोगिंदर मैं इंस्टाग्राम पर चेक कर रहा था, उनके काफी ज्यादा स्टोरीज वगैरह डाल रहे थे। क्या होता है, जितने भी लोगों ने उसको रोस्ट वीडियो किया था, जिनके क्या जितने भी लोगों ने उनके अगेंस्ट वीडियोस वगैरह बनाते हैं, उन सभी की स्टोरीज वगैरह उड़ा ले, जो कि आप देख ही सकते हो। तो गाइस हर्ष बेनीवाल ने अपनी नई, तो भाई पता नहीं क्या हो गया, थारा जो जोगिंदर को मतलब पुरानी यादें ताजा कर रहे हैं। चलिए बढ़ते अगली अपडेट की तरफ। अपडेट राउंड 12 को लेकर। तो राउंड 12 ने फाइनली कंप्लीट कर चुके 28 मिलियन सब्सक्राइबर। इसी को लेकर अपने इंस्टा पर स्टोरी भी शेयर करते हैं। यहाँ पर लिखे, कांग्रेचुलेशन एवरीवन, वी आर 28 मिलियन स्ट्रॉन्ग ऑन यूट्यूब। मैंने मैंने कांग्रेचुलेशन टू हिम। तो चलिए बढ़ते अगली अपडेट की तरफ। अगली अपडेट दीपक चहर सेट, जो कि मैनेजर कैरी मीना डी। दीपक चहर एक ट्वीट किए थे, यहाँ पर बताया कि उनका जो इंस्टाग्राम अकाउंट है ना, उसको यहाँ पर साथ से सस्पेंड कर दिया गया, ठीक है, उनको एक्सेस नहीं कर पा रहे। यहाँ पर आप देख ही सकते हो वो क्या लिखे। एंड वो बताया कि जितने भी उनका इंस्टाग्राम अकाउंट है, जितने भी कम्युनिटी गाइडलाइंस उनको यहाँ पर फॉलो करता था, बट फिर उनको सस्पेंड वगैरह कर दिया। इसी को लेकर वो टेक किए थे इंस्टाग्राम को, यहाँ पर इसी को लेकर ट्वीट किए। तो कैरी मिनाटी भी इसको रीट्वीट करते हुए कि हाय इंस्टाग्राम, प्लीज कैन यू हेल्प अस, यस आई होप उनका अकाउंट जल्दी से रिकवर हो जाए। चलिए बढ़ते अगली अपडेट की तरफ। अगली अपडेट बायजूस को लेकर। तो आप में से ऑलमोस्ट लोग पता, अभी थोड़े टाइम पहले बायजूस को काफी ज्यादा हेट वगैरह मिल रहा था। बायजूस के बाद जितने भी स्टूडेंट पढ़ने आते थे, उनके पेरेंट्स जब उनको वहां से बायजूस से वापस मतलब कि निकालने वाले थे ना, जब पढ़ाई वहां पर छुड़ाने वाले थे, तो ये बोलते थे कि भाई जितने भी आप अगर यहाँ से बच्चों को निकलवाओगे, ठीक है, जहाँ से आप पढ़ाई उनकी छुड़वाओगे, देन आपका जो बच्चा कुछ भी नहीं कर पाएगा लाइफ में। देन इस तरीके से हेड वगैरह फैल रहा था। देन इसी टॉपिक के ऊपर बर्नर्ड बाइट्स एक कंप्लीट एक्सप्लेन वीडियो बनाई, ऐसा क्यों हो रहा था, वो एक्सप्लेन की। तो यार वीडियो की छोटी सी क्लिप मैं शेयर कर दे रहा हूं, बाकी कंप्लीट वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स देते हैं, वहां सब चेकआउट कर सकते हो। बात है सबसे इंपॉर्टेंट में कि बायजूस को रिसेंटली इतना ज्यादा हेट क्यों मिल रहा है। भाई बेसिकली बायजूस अपने सेल्स डिपार्टमेंट को लेकर काफी ज्यादा नेगेटिव फेस कर रहा है, क्योंकि काफी पेरेंट्स ने इनके सेल्स डिपार्टमेंट पे ये एलिगेशन लगाए कि वो पेरेंट्स और गार्डियंस को काफी ज्यादा मैनिपुलेट करते हैं, ये बता के कि अगर आपका बच्चा हमारे इंस्टीट्यूट में नहीं आएगा, देन आपके बच्चे का फ्यूचर काफी खतरे में है और आपका बच्चा कुछ कर नहीं पाएगा। बेसिकली ऐसा बोला जा रहा था कि उनके इमोशंस का फायदा उठा रहे थे। एक बार बायजूस का नाम हटा दो और अब सोचो कि आपके स्कूल में भी ऐसा हुआ होगा बहुत बार कि आपके पेरेंट्स को ऐसा बोला जाता है कि भाई आपका बच्चा कुछ पढ़ नहीं पाएगा, आपके बच्चे को मार्क्स नहीं आते। ये जो इमोशंस का फायदा उठाना है वो हर स्कूल कॉलेज ट्यूशन सभी लोग करते हैं, बट बायजूस ही इसका शिकार क्यों बन रहा है, क्योंकि आई थिंक इसलिए कि बायजूस एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है, वो सबसे ज्यादा टॉप।
तो चलिए बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। अगले अपडेट टेकबर्नर से। टेकबर्नर का काफी टाइम से बोल रहे थे कि भाई उनको लॉन्च करने वाले देन उन्होंने फाइनली लॉन्च कर दिया खुद का ओवरले क्लॉथिंग ब्रांड। एंड यस, इसको लेकर अपने चैनल पे आप वीडियो भी अपलोड किया जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सब चेकआउट कर सकते हो। चलिए बढ़ते अगली अपडेट की तरफ। अगली अपडेट वर्ल्ड से रिलेटेड। तो क्या होगा, आपको पता है कि पूरे वर्ल्ड में कितनी पॉपुलेशन अभी हो चुकी। तो क्या यूनाइटेड नेशन में COP27 का इवेंट होने देन वहां पर अनाउंस किया गया कि अभी जो है पूरे वर्ल्ड की 8 बिलियन की जो पॉपुलेशन हो चुकी है। देख सकते हो अभी जो है ना 2022 में जो 8 बिलियन की जो पॉपुलेशन कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें इंडिया का जो काफी बड़ा हाथ है। ठीक है, इंडिया में ना 177 मिलियन पीपल जो ऐड हुए, ठीक है, जो कि अभी 8 बिलियन की जो पॉपुलेशन है उसमें। यहाँ पर और भी काफी सारी कंट्रीज है जिसमें कि जिसने जितना जितना कंट्रीब्यूट किया, ठीक है, उसका भी यहाँ पर आप देख ही सकते हो, जैसे चाइना का एंड देन और भी काफी सारे कंट्रीज का यहाँ पर बताया गया कि और कितने टाइम में हम 9 बिलियन कितने टाइम में कंप्लीट कर लेंगे, 10 बिलियन कितने टाइम में पॉपुलेशन कंप्लीट कर लेंगे। देन इसी को लेकर आर्टिकल वगैरह है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे दूंगा, सब चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। बस यार आज के लिए इतनी अपडेट, थोड़ी तबियत डाउन थी इसलिए वीडियो इतना अच्छा नहीं बन पाया। होप बाकी जितनी भी अपडेट थी मैंने आप सभी के साथ में शेयर कर दी। अगर आप लोग और भी ऐसे अपडेटेड रहना चाहते हो तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर सकते हो। तो बस यार मिलते हैं अगले वीडियो।